नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं यूडीएफ, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी मोशन में अनपचा खाना आना। दोस्तों, अगर आपके मोशन में अनपचा खाना आता है तो या तो आप रोगी हो गए हैं या आप रोगी हो सकते हैं, यानी कि ये एक लक्षण मात्र है, ये आपको सिम्टम्स देता है कि या तो रोगी हो गए हैं या आप रोगी होने वाले हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल का मतलब आपके मोशन में अनपचा खाना आता है, यानी जैसे आपने मेथी खाई, मेथी का पत्ता मोशन में नजर आता है, भिंडी खाई, भिंडी का बीज मोशन में नजर आए, धनिया खाया, धनिया का पत्ता मोशन में नजर आए, दाल खाई, दाल का छिलका मोशन में नजर आए, ये ही यूडीएफ होता है। जैसे लेबोरेटरी में स्टूल टेस्ट कराया जाता है, ये सेल्फ टेस्ट है। आप अपने मोशन को देखें, क्योंकि मोशन जो भी हम खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज आप खाते हैं, उसी से मोशन बनता है और ये हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। तो इससे आपको घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने मोशन को जरूर देख रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न सीट यूज करते हैं तो उसमें देखना इम्पॉसिबल है। अगर आप इंडियन सीट यूज करते हैं तो उसमें अपने मोशन को आप देख सकते हैं, यानी कि सेल्फ टेस्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको यूडीएफ आता है या नहीं आता। यूडीएफ आने का एक दूसरा लक्षण और होता है, यानी कि हम कैसे पहचानते हैं। अगर छोटा बच्चा है, क्योंकि बड़े बच्चे ने तो पहचान लिया या बड़े व्यक्ति ने तो देखकर पहचान लिया, अब छोटा बच्चा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको यूडीएफ आता है या नहीं आता। छोटा बच्चा दूध जरूर पीता है और वो दूध कभी ना कभी जरूर निकालता भी है। अगर वो दूध पीकर निकालता है और वो दूध का दूध ही निकाल रहा है, इसका मतलब उस बच्चे को यूडीएफ की समस्या है। अगर उसका डाइजेशन ठीक होता, उसको यूडीएफ की समस्या ना होती, तो दूध फटकर दही जैसा निकलता। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा दूध पीता है और वो दूध निकालता है तो दूध फटा हुआ निकलता है, दही की तरह निकलता है, यानी कि उसका पेट बिल्कुल ठीक है, उसको यूडीएफ की समस्या नहीं है। अगर उसको यूडीएफ की समस्या होगी तो दूध का दूध ही हमको नजर आने वाला है। या किसी व्यक्ति की हम जीभ देखते हैं, जीभ में अगर बहुत सारे कट्स नजर आते हैं, जीभ ब्लैक ब्लैक नजर आती है, तो ये एक लक्षण है कि इस व्यक्ति को यूडीएफ की समस्या हो गई है। या ये वाला पार्ट्स, जो हमारा सोलर प्लेक्सस वाला पोर्शन है, ये वाला जहां स्टर्नम बोन होती है, और हम यहाँ पेशेंट को ऐसे दबाते हैं, टच करते हैं, और पेशेंट को यहाँ बहुत ज्यादा हैवीनेस होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसका मतलब उस पेशेंट को यूडीएफ की समस्या हो गई है। उसको मोशन में अनपचा खाना आता है, ये भी एक लक्षण है। यानी कि ये जो तरीके मैंने बताए, इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को यूडीएफ आता है या नहीं। यूडीएफ की समस्या उन लोगों को ज्यादा आती है जो खाने के साथ में पानी पीते हैं। जैसा कहा जाता है कि हमें खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है हमें यूडीएफ आने का। आप खाना खाते हैं, खाने के साथ आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक एसिड होते हैं जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। अगर इनमें असंतुलन हो जाए, इनमें इनबैलेंस हो जाता है, तो हमें यूडीएफ की समस्या होती है, क्योंकि ये एक एसिड है जो खाने को पचाता है, और ये एक प्रकार की आग है, एक प्रकार की अग्नि। हमने खाना खाया और ये अग्नि जल रही है, लेकिन हमने पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये अग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और हमें यूडीएफ की समस्या हो जाती है। क्योंकि HCl ठीक प्रकार से नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं पचेंगे, और प्रोटीन नहीं पचेंगे तो मोशन में हमें यूडीएफ आना स्वाभाविक है। अगर आपको यूडीएफ आता है तो इस यूडीएफ को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चाहे आपको अपना स्टूल टेस्ट करा के करें या आप हम जैसे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर, क्योंकि न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं, और वो कुछ ही दिन के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे उनको यूडीएफ की समस्या हो, चाहे डाइजेशन इशू हो, चाहे नाभी नले कौड़ी समस्या हो, या कहें कि कोई भी समस्या हो, न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो निसंकोच आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। अगर आप NCR में रहते हैं, दूर रहते हैं हमसे और आप हमारे पास नहीं आ सकते, तो हमारे पास होम विजिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आपके घर पर आपका ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।